Assalamualaikum everyone. You are tuning into our Mental Health Summit series. My name is Batul Mirza and I'm joined here today by Dr. Azra Rafiq. Ek cheez ye, aaj ka din bahut hi amazing ja raha hai so far. We have such great speakers aur itne important mauzuon ke upar aaj hum baat kar rahe hain. It's been so enlightening and I feel deeply grateful to be meeting everyone. So tune in today. Hamara aaj ka topic jo hum Dr. Azra ke saath share karne wale hain, that is going to be about addressing mental health in children. वैसे तो ये mental health summit है families of special needs के लिए. उसमें parents भी included हैं, siblings के बारे में भी हम बात करते हैं. लेकिन उससे भी ज़्यादा Dr. Azra ने topic बहुत अच्छा select किया कि mental health तो हमारे बच्चों को भी affect करती है. They also experience challenges. वो क्या हो सकते हैं और हमें उनको कैसे navigate करना है, that is what we will discuss with our session with her today. Dr. Azra का तारुफ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और Dr. Azra एक दूसरे को कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है. We found each other on opposite sides of the world. हमारे एक दूसरे से like our paths weren't crossing really, लेकिन पता नहीं कैसे हमने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया. And we like she's become a great mentor for me. So I'd like to take a minute, Dr. Azra, please apne aapko introduce karein. You're a consultant pediatrician. You're doing great work in thalassemia, but you are so active as a humanitarian. Please tell us a little bit more about yourself. Yes, assalamu alaikum. And I'm so happy that I want to give a brief discussion on the mental health on the children, although it is a very big topic. और मेरा जो है बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कहते हैं कि हम कुछ चीज़ें क्लियर कर दें, तो क्योंकि बाज़ वो लोग कॉन्सेप्ट लोगों का ये होता है कि जैसे वो हमको पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं ना, तो एटलीस्ट मैं अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करती हूँ कि मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँ कि क्या मैं नहीं हूँ और क्या हूँ ना. क्योंकि अब ऑटिज्म पे जो है कुछ जो काम किया है तो उससे बहुत से लोग मुझे ये समझते हैं कि शायद मैं ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हूँ, कोई एक्सपर्ट हूँ इसमें, या ये कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई न्यूरोलॉजिस्ट हूँ या कोई साइकियाट्रिस्ट हूँ. तो इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई एम सिंपली अ पीडियाट्रिशियन. लेकिन ये मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मैं इसमें जो है वो ऑटिज्म के काम में खुद अपने शौक से आई हूँ, और आई बिलीव कि ये काम पीडियाट्रिशियन का ही होना चाहिए है. क्योंकि पीडियाट्रिशियन जैसे हमारी मेरे ख्याल स्लाइड शुरू होंगी तो खुद ब खुद ये चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी कि एक्चुअली क्यों मैं इसको अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ, है ना. तो जैसे आप सबको पता है कि ये हमारा जो है मेंटल हेल्थ समिट, बतूल ने जो है बहुत ही अच्छा ही डिसीजन लिया है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इन्होंने जो है वो गैदर किया हुआ है. वेरी ब्यूटिफुल बुक है आई कैन से. और अभी मैंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सनोवर को पूरा मैंने उनका सुना और वो वेरी नाइस टॉक हूँ. और मेरा ख्याल अगर लोगों ने उनको भी सुन लिया तो मेरा बहुत सा काम तो वैसे ही ईजी हो जाएगा ना. तो मैं जैसे बताया कि मैं जो हूँ वैसे तो थैलेसीमिया केयर सेंटर में होती हूँ और एक प्राइमरी हेल्थ केयर का ZMT क्लिनिक्स नेटवर्क है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. दे हैव मोर देन 40 क्लिनिक्स. तो उसमें हमने जो है तकरीबन 6 क्लिनिक्स पे हमने स्टार्ट किया है स्क्रीनिंग वगैरह ना. तो अभी उसके डिटेल बताने का टाइम नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हमारा ताल्लुक जो है ऑटिज्म से है. लेकिन आज हम ऑटिज्म पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है वो मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे नेक्स्ट. और ये हम सबका लोगो है, हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, है ना. और मेरा ख्याल है मैंने पहले सलाम तो किया था लेकिन मैंने दुआ शायद नहीं पढ़ी थी. नहीं, बैक नो वरीज, आप प्लीज फिनिश करें. तो उसमें जो है पहले मैं दुआ जरूर पढ़ती हूँ ताकि जो है हमारे अंदर जो है अल्लाह ताला हिम्मत दे कि हम अच्छी बात जो है आप लोगों से कर सकें, कम से कम वक्त में जो है वो हम बेस्ट जो है आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं. तो जो हम कहते हैं कि हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, तो अभी सनोबर ने जो है काफी चीजें बहुत अच्छी बताई हैं जो कि मैं इसमें बताने वाली थी कि जब हम हेल्दी चिल्ड्रन की बात करते हैं तो पहले जो है वो हेल्दी पेरेंट्स ना, और खास तौर पे जो है वो मदर्स की भी हम इसमें बात करेंगे ना. तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो व्हाट इज हेल्थ नेक्स्ट. mm-hmm.
ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है, जो हेल्थ की हम अगर डेफिनेशन करें तो ये क्या है कि इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल. मैंने ब्रैकेट में लिखा है लेकिन दिस इज ऑन द टॉप आई आई कैन से है. उन्होंने तो नहीं लिखा लेकिन मैं इसको हमेशा ऐड करती हूँ ना, स्पिरिचुअल वेल बीइंग. नेक्स्ट. अच्छा, हम सबको पता है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, पूरे मनाया गया है. और जब भी हम कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम बस वो एक दिन जैसे वो बात की और उसके बाद हम भूल गए हैं. तो हमें भूलना नहीं है अपनी मेंटल हेल्थ को भी, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी. और इस दफा की थीम जैसे है कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी. और इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं इसी टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि आई वॉज वर्किंग एज अ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर. मैं मेंटल हेल्थ पे IMCHF, वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैटरनल चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, उनके अंडर भी हमने जो है ये प्रोग्राम वहाँ पे करते रहे हैं ना. तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का ये मतलब नहीं है कि हम बस एक मनाएं, मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन मकसद नहीं होता है. मकसद ये होता है कि हम कुछ लर्न अगर करें और उसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आए. नेक्स्ट. अच्छा, ये प्रैक्टिस में लाने के लिए जो है ना, हमको ये तकरीबन आई थिंक 5 ईयर्स बैक जो है ना, उनकी ये थीम थी. और वहाँ पे मैंने कनाडा में इटोबिको में ये प्रोग्राम किया था और ये उस वक्त ये थीम थी 5 ईयर्स बैक कि माय मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज माय फिजिकल हेल्थ, है ना. अब मैं जाहिर है कि क्योंकि इंटरेक्टिव तो हो नहीं पाता है तो हम सब ये कहेंगे कि वाकई कि हमें ये चीज रियलाइज करनी है कि हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही, बल्कि बाद को उससे ज्यादा, है ना, उससे ज्यादा. क्योंकि क्या होता है कि एक चीज में बहुत अक्सर मिसाल देती हूँ कि द दैट अल्सर विल नॉट किल यू, द थिंग विच इज कॉजिंग अल्सर विल किल यू. तो जो अल्सर है ना, वो जैसे कि सर्जन्स को और ट्रक ड्राइवर्स को और जिनकी जैसे स्ट्रेस वाली लाइफ होती है ना, तो उनको अल्सर बहुत होता है. और हम अल्सर पे फोकस करते हैं, उस स्ट्रेस को दिमाग से निकाल देते हैं ना. तो हम सबको ये चीज ध्यान में रखनी है कि माय मेंटल हेल्थ, अगर मेरी मेंटल हेल्थ सही होगी तो मेरे बच्चों की भी होगी, है ना. अभी सनोबर ने इतने अच्छे तरीके से वो चीजें कवर कर ली है ना. नेक्स्ट. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सनोबर ने इस पॉइंट के ऊपर काफी बात की थी कि फिजिकल बिल्कुल. हेल्थ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, लाइक डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करते हैं, एक्चुअली दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल, तो वो चीज कभी रुकती तो नहीं, लाइक इट कीप्स गोइंग ऑन, राइट? अगर हमारे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट हैं तो हम लोगों के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल. और इसमें जो है ना, हमें ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है कि स्ट्रेस की मतलब मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हमको फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है या फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है ना. नेक्स्ट. ये एक साथ ही दूसरी बीस की जो है ना सेंटेंस है वो भी है. नेक्स्ट कर देना. नहीं, बैक. हाँ, मैं कह रहा कि ये थोड़ा सा डिलीट हो गई कुछ चीजें. तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, इसकी हमें डेफिनेशन क्या है? जो है हम देखते हैं कि क्या है, लेकिन इससे पहले हमें जो है, हमें क्या करना है कि इसको अगर हम अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमको इसके कहते हैं ना कि एक चीज होती सिम्टम, एक होती साइन. सिम्टम जो होता है वो पेशेंट बता जो है वो खुद फील करता है, और साइन जो हम देखते हैं बीइंग डॉक्टर, है ना. तो हमें सिम्टम भी पता होने चाहिए और साइन भी पता होने चाहिए. लेकिन जब क्योंकि हम बच्चों की जब बात करते हैं तो सिम्टम तो कम होती है और ऑटिज्म में तो बिल्कुल ही नहीं होती है ना. हमें साइन ही, हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, तो वो साइन ही होती है ना. तो नेक्स्ट. अच्छा, अब ये देखें कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ. ये पिक्चर मुझे बहुत ही पसंद है और ये मेरी स्लाइड नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ कि कनाडा में CMHA एक बहुत ही बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनकी है ना. तो ये मेंटल हेल्थ क्या है, कहते हैं ना कि क्योंकि मेरी शेयर पढ़ने की भी बड़ी आदत है, अगर मुझे नहीं पता है कितने लोग शेयर से को एंजॉय करेंगे या नहीं. कहते हैं ना सेल्फ कॉग्निशन, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना. तो खुद ही यानी सेल्फ कॉग्निशन के मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मेरी क्या नॉलेज है, मैं क्या कर सकती हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों से कंपैरिजन में सोचते रहते हैं उसके पास तो ये, उसके पास तो ये. और खास तौर पे जब हम इमिग्रेट करके किसी और कंट्री में जाते हैं तो और ज्यादा हमारे जो है स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कुछ कल्चरल शॉक होता है, कुछ और चीजें होती हैं. जाहिर है हर चीज ही वहां तो डिफरेंट है, क्योंकि मेरी जो है वो एज अ सेटलमेंट काउंसलर मैंने जो है वो
वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है और इसके अलावा सेप्ट एजुकेटर के तौर पे सेटल में एजुकेशन पार्टनरशिप इन टोरंटो, तो मैंने डिक्सन ग्रोव और स्मिथफील्ड स्कूल में भी काम किया है। तो वहाँ बच्चों के लिए भी जो है उनको अपना कल्चर बताना और उनका कल्चर जो है वो मतलब हमारा कल्चर उनकी टीचर्स को बताना, तो इस तरह के भी हम प्रोग्राम्स करते रहे। तो सेल्फ कॉग्निशन, फिर एबिलिटी टू एडजस्ट विद अदर्स, एबिलिटी टू एडजस्ट विद सोसाइटी, ये बिल्कुल सिंपल तीन चीज़ें हैं। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कनाडा में तो WHO कहते हैं और हम पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो है वो जाहिर है कि उसमें एक्सेंट में भी फर्क आ जाता है बोलने में, क्योंकि यहाँ तो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है और वहाँ अमेरिकन चलती है। जैसे एटीट्यूड भी, कभी मैं एटीट्यूड बोलती हूँ कभी एटीट्यूड बोलती हूँ। तो ये जो WHO की डेफिनेशन है कि अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड एबल टू कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी। मैं असल में स्लाइड्स इसलिए सामने रखती हूँ कि फिर मैं कुछ फोकस्ड रहती हूँ, फिर मेरा जहन इधर उधर नहीं जाता, ताकि जो है बिल्कुल मेन पॉइंट्स हम वो थोड़े से डिस्कस कर लेना। तो यही जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने व्हाट इज मेंटल हेल्थ की बात की, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बच्चे हैं या बड़े हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों में भी हैं, लेकिन बच्चों में कुछ और चीजें भी प्लस हो जाएंगी। नेक्स्ट। अच्छा, व्हाट इज चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, इसमें क्या चीजें और ऐड हो रही हैं? देखें, मेंटली हेल्दी ड्यूरिंग चाइल्डहुड मींस रीचिंग डेवलपमेंटल एंड इमोशनल माइलस्टोन्स, है ना, इमोशनल भी माइलस्टोन्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे के साथ ये बड़ी ज्यादती करते हैं कि हम उनको एक स्मॉल एडल्ट समझते हैं, कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, जिस तरह मैं परसीव कर रही हूँ, उसको तो समझ ही जाना चाहिए। उसको कुछ हम बताएं ना बताएं, हम चाहते हैं कि उसको तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। उसको हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते, कुछ समझाते नहीं, तो उसके इमोशनल भी माइलस्टोन्स होते हैं और डेवलपमेंटल भी होते हैं। फिर हेल्दी सोशल स्किल्स उसको आनी चाहिए। फिर वही के कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो डे केयर में जा रहा है, नर्सरी में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है, वहाँ अगर किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, कोई टीचर ने डांटा, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसको खुद डील करना आना चाहिए ना। तो हम उसको सिखाएंगे तभी उसको आएगा, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उसको टाइम दें। ये भी मसला होता है ज़्यादातर वर्किंग मदर्स के साथ, तो ये बहुत ही होता है ना। और इसमें हम सबको ये याद रखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। बाज़ दफ़ा कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, नॉन ऑटिस्टिक बच्चा है, कुछ और भी प्रॉब्लम, ADHD भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। जैसे अभी वो सनोबर ने कहा ना कि भाई ये टीन एजर का प्रॉब्लम है, ये फला के क्योंकि बॉय है इसलिए है, तो वो चीज़ें सबके साथ चलती रहती हैं, नॉन ऑटिस्टिक के साथ भी, है ना। तो हमें ये इसको ओवरऑल हर चीज़ का जैसे हॉलिस्टिक अप्रोच की बतूल बात करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरे अंदर तो ये बात है कि मैं हर एक से लर्न करने की कोशिश करती हूँ ना, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इल्म कितना है। तो हम खुद बतूल से बहुत कुछ सीख रहे हैं और यकीनन बतूल भी हमसे सीख रही हैं, जाहिर है ये तो म्यूचुअल वो होती है ना लर्निंग। नेक्स्ट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीइंग डॉक्टर मैं अपने आप को जो है ना वो बस रोक नहीं पाती कि मैं कुछ चीजें तो जरूर ही आपसे शेयर करूं, क्योंकि जो 2 ईयर्स का बच्चे का ब्रेन है, दैट्स द हाफ ऑफ द एडल्ट ब्रेन, यानी उसका साइज, और तकरीबन चीजें 75% चीजें तो उसको उसमें अंदर फीड हो जाती हैं। तो इसीलिए जो हम अक्सर ये देखते हैं कि हम लोगों का क्या स्टाइल होता है कि जब तक बच्चा बोल नहीं रहा है हम समझते हैं वो सुन भी नहीं रहा है ना, जब वो बोलने लगता है तो हम समझते हैं वो सुन रहा है, हालांकि वो उस वक्त भी सुन रहा है जब वो हमारे यूट्रस वॉर्म में था, जब भी वो सुन रहा है वो भी चीजें फीड हो रही है ना। तो वो भी इसीलिए जो हम कहते हैं 1000 डेज, 1000 डेज का क्या मतलब है कि 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, इसको हम विंडो पीरियड कहते हैं, खासतौर पर ऑटिज्म के लिए, और सर्वल पेल्सी के लिए तो विंडो पीरियड हमारी 0 to 7 ईयर्स, बल्कि बाद 8 ईयर्स, 9 ईयर्स पे भी अगर आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं ना। नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूं क्योंकि आई थिंक मैंने 15 मिनट्स बाद स्टार्ट किया है ना जी, हमें थोड़ा लेट स्टार्ट, बट आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकती हैं। डॉक्टर जरा एक दो चीजें मैं ये और भी ऐड करना चाहूंगी। यू नो, बच्चों का स्पेशली जो यंग हमारे बच्चे हैं, मेंटल हेल्थ के अलावा, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक्चुअली, नॉट अलावा, द इमोशनल ट्रॉमा, राइट, बच्चों
सेपरेशन एंजाइटी बन के आता है, वो क्लिंगी होते हैं पेरेंट्स के साथ, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी. तो लाइक यू सेड कि मेंटल हेल्थ का इशू, मेंटल हेल्थ ना होना इज नॉट द सेम थिंग कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है तो बस फिर हम ठीक है. बिल्कुल. लुकिंग एट दोस टाइनी लिटिल क्लूज के बच्चे की सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, वो सब कहाँ है. लाइक सनोबर सेड, चेंजेस एट एवरी एज. तो यस, ग्रेट ग्रेट पॉइंट्स. और ये जो आप कह रही है ना बतूल जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, वी से द चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लर्न, क्योंकि हम जिस स्टाइल से बोलते हैं, अगर हमारी चीखने की आदत है तो बच्चा भी कुछ ना कुछ उसी स्टाइल से ही बोलेगा ना, उसी तरह चीखेगा ना. तो हमें अपने को जो है ना बहुत नजर रखनी चाहिए कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं. एक तो सिखाना होता है कि आप बाकायदा फॉर्मल आप जो टीचिंग करते हैं, और एक ये होता है कि हर वक्त हम कुछ ना कुछ दूसरों को सिखा रहे होते हैं. हमारी पर्सनालिटी जो होगी वो दूसरे में, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों के बच्चों में रिफ्लेक्ट होगी, है ना. तो ये हमको, जैसे कि क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़ाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हर शख्स अपनी ज़ात में भी जो है ना वो एक दाई का किरदार अदा करता है, क्योंकि चाहे वो कुछ बोले या ना बोले हूँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है. तो इसीलिए से आपने कहा ना कि इमोशनल माइलस्टोन्स होते हैं और ये सारी चीज़ें क्या क्या कॉजेज होते हैं, वो एक बहुत ही लंबी फिर ज़ाहिर चीज़ होगी कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो या बल्कि मेंटल वेलबींग का ना होना, उसके क्या क्या कॉजेज हैं. क्योंकि कई दफ़ा जो हमारे साथ ट्रॉमास हमारी लाइफ में होते हैं, हमारे चाइल्डहुड में होते हैं, हम उसके बदले बच्चों से उतार निकाल रहे होते हैं, कि उनके सामने इतना जिक्र कर रहे होते हैं कि फिर मतलब वो फिर पसंद नहीं करते. क्योंकि अभी पिछले दिनों किसी के मेरे पास केस आया था, तो वो यही कि वो बच्ची जो है बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती है, तो इसलिए कि उसने अपने अराउंड जितने लोगों को देखा तो उनकी मैरिज इतनी कुछ कामयाब नहीं थी, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े थे, तो शायद इस वजह से उसके जहन में ये चीज़ आई. तो ये मतलब हम सबकी एक तरह से जिम्मेदारी है ना. अब थोड़ी सी मैं कुछ साइंटिफिक बातें इसमें से करती हूँ, क्योंकि हमारे एक जर्नल बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल है, जर्नल फॉर द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, JPMA, और इसमें इन्होंने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है. क्योंकि हमारे जैसे कंट्री में, जैसे हम जिसमें रह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, मैं इस वक्त कराची में हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हम जो चाह रहे होते हैं वो हम नहीं उस तरह से कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल हैं, सोशल हैं, जियोपॉलिटिकल हैं, है ना, वो हमारे हाथ में भी नहीं होते हैं. मैं यही डर रही थी दोपहर को, बिल्कुल मेरा जो सिग्नल और सब नेट चला गया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा शाम को. तो बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. और फिर ये कि हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन भी बहुत ही बिग चैलेंज है, बहुत ही बिग चैलेंज है. और साथ साथ आप देखें, मुझे याद है कि जिन दिनों में कैनेडा में थी, एक दफा जो है किसी छोटे से किसी प्रोविंस में जो है किसी बच्चे को डायरिया हुआ था, तो सारे टोरंटो स्टार भरा हुआ था कि उसको डायरिया हुआ क्यों. और हमारे यहाँ डेली कितने बच्चे डायरिया से ही मर जाते हैं, है ना. तो क्लीन वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि फिर मेंटल हेल्थ हमारा बहुत ही नीचे चला जाता है, हमारी जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज है उसे मेंटल हेल्थ नीचे चला जाता है. तो ये हमको मिलजुल के करना है ना. कैसे करना है वो इंशाल्लाह ताला जितना टाइम होगा मैं कोशिश करूंगी कि इसमें पूरा करूँ. नेक्स्ट. अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ही बिटर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो प्रेवलेंस ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम जो स्कूल चिल्ड्रन में है पाकिस्तान में, और मैं समझती ये भी कम ही लिखा हुआ, 9.3% तो नहीं, इसे बहुत ज्यादा होंगे. फिर आप देखेंगे कितने बच्चे तो स्कूल कभी गए ही नहीं है, उनकी कोई हमें फिगर्स ही नहीं पता कि कितने बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं. क्योंकि कैनेडा में तो ये ना कि हर बच्चे के लिए तो लाजमी है, ये एज हो गई तो उसको तो जाना ही जाना है, पकड़ के उसको ना कोई पकड़ के लेके जाएगा स्कूल में डाल देगा. तो यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है. फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन देखिए, उसके बारे में तो कुछ हमें पता ही नहीं है कितने स्ट्रीट चिल्ड्रन है. तो यहाँ के प्रॉब्लम्स आप देखें कि फिर 1 psychiatrist per 30,000 to 50,000 पॉपुलेशन, है ना. मैं ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ कि फिर उसका हम सोल्यूशन भी कुछ सोचे ना. और फिर इसमें भी जो साइकेट्रिस्ट है इसमें ज्यादातर जो है वो जो बड़े शहर है जैसे कराची जैसे, वहां पे तो फिर भी आपको मिल जाएंगे. और उनमें भी जो पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट वो कितने हैं, है ना, वो और कम हो जाएंगे फिर. नेक्स्ट. अच्छा, इसी में फिर जो है ना, देखिए हमको जो है फिर क्या सोचना है कि हमको अपनी जो है सर्विस डेवलपमेंट पे सोचना है, अपनी रिसर्च पे सोचना है, और हम डेवलप्ड वर्ल्ड से ज़ाहिर है कि मुस्तकिल
कोविड ने बहुत सारी चीजें बहुत बुरी भी की, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी की। मैं समझती हूँ कि कोविड की वजह से मैं बतूल से और हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, क्योंकि हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और हम जो है मुस्तकिल जूम जूम और इस पे जो है आ गए हैं, तो उसकी वजह से बहुत दूर दूर से लोगों ने जो है हमारी हर तरह की क्लासेस ज्वाइन करनी शुरू कर दी है ना। तो डॉक्टर जीशान के बारे में आपको पता होगा, हमने जो है क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन सेक्स से भी है, जो कि कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां उस पे हमने जो है वो ये सेम लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, ये हमने डॉक्टर जीशान से भी करवाया, उनसे भी लर्न किया। तो इसीलिए डेवलप्ड वर्ल्ड से भी, फिर डॉक्टर फरजाना सईद हमारी जो है उस पे हैं, बोर्ड पे हैं, वो पीडियाटिशियन भी हैं और वो बहुत ही इंथ्यूजेस्टिक हैं इस पे ऑटिज्म पे काम करने में। तो हम लोग मिलके बहुत कुछ सोचते भी रहते हैं कि अब और क्या करें, है ना, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच एक तो जो है वो बतूल बताती हैं और एक वो जो हम पीडियाटिशियन सोचते हैं, है ना, तो वो उनको मैच भी करना है ना, और जी एक दूसरे से सीखना है ना, क्योंकि हम सबका मकसद कोई ये नहीं कि कुछ अपनी मोनोपली करना है, बल्कि क्या करना है, हमें तो बच्चों की हेल्प करनी है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है ना। नेक्स्ट। अच्छा, स्टेट ऑफ जो है चाइल्ड मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान की इतनी बुरी है कि इसमें जो है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर एंग्जाइटी, इसमें कुछ स्लाइड्स में रखा है कि क्या स्किप हो गई है, नहीं, क्योंकि जो इसके ये बाद मत स्टेट्स थी वो तो इसमें आई नहीं, मेरा ख्याल है ये तो बाद में आई थी। अच्छा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सॉरी, हाँ मैं भूल गई होंगी। हाँ हाँ तो ये मेंटल हेल्थ में इसमें जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, तो ये कितने कितने हैं इस पे, जाहिर है कि बहुत सारे रिसर्चेस भी मौजूद हैं और बहुत सारी हो भी रही हैं, क्योंकि सिर्फ ऑटिज्म ही कितना ज्यादा कॉमन है, लेकिन उसकी भी जो सही स्क्रीनिंग नहीं हो पाती और लोगों के अंदर उसका रियलाइजेशन ही नहीं है, डिनाइल, जैसे कि यहाँ पे है, कैनेडा में भी है, कैनेडा में भी बहुत डिनाइल है और स्टिग्मा वहां भी है, मैंने देखा है, वहां भी लोग आसानी से मानते नहीं है, क्योंकि वहां बहुत सारे डे केयर सेंटर्स में हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद जो ईसी जिन्होंने किया हुआ है वो कहते हैं कि हम बताते भी है ना, तो लोग उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि मुस्तकिल ये कहना कि आई एम ओके, दैट इज नॉट ओके, है ना, क्योंकि हम में से हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम हमेशा ओके नहीं रह सकते, हमारे अंदर कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, तो उसको हम रियलाइज करें, उसके हिसाब से जो है उसका कुछ ना कुछ, उसका कुछ सोल्यूशन निकाले ना। नेक्स्ट। वो जो एक स्टेटमेंट है ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इट्स हाँ बिल्कुल सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑल द टाइम हम अपने ऊपर एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रेशर डालते हैं, और जो प्रेशर हम अपने आप पे डालते हैं वो प्रेशर हम अपने बच्चों पर भी डालते होंगे, यू नो, कि बी ओके, बिल्कुल, डेफिनेटली, मगर लाइक व्हेन आर वी गिविंग ईच अदर स्पेस टू नॉट बी ओके, एंड दैट्स ओके टू। तो अभी आप स्टेट्स देख सकते हैं कि देखिए ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, और ये लेटेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ल्डोमीटर पे और उसमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री एस्टिमेट्स दैट द कंट्री नीड्स 47 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, है ना, पर 100,000 पे इतना होना चाहिए, यानी इतनी जरूरत है ना, और ये बाकायदा इसकी मैंने ऑथेंटिसिटी के साथ इसको जो है कोट किया हुआ है। नेक्स्ट। फिर इसमें आप मजीद देखें कि हमारे पास जो है ना 400 क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हैं, और ये हमारी जो है चाइल्ड न्यूरोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान की, जिसकी जो है वो हेड है शहनाज इब्राहिम आगा खान की हैं, और फिर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन पूरे पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ 3 या 4 हैं और पूरे सिंध में सिर्फ 1 है। तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं, और फिर ये जो भी हैं ये ज्यादातर बड़ी सिटीज में ही हैं, हमारे गांव वगैरह का तो, और आजकल तो सैलाब के बाद और भी कुछ पूछने वाला नहीं है ना, यानी कि हमारी आजकल तो प्रायोरिटीज ही पूरी चेंज हो चुकी है ना, तो हमें पहले तो उनको उससे निकालना है, उस शौक से, उसके बाद हमें कुछ सोचना है ना। नेक्स्ट। तो अब नीड ऑफ द टाइम क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन, कि हमारे यहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में हमें कौन सी इंटरवेंशन जो है किस तरह प्रायोरिटाइज करनी है ना। हम हर बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए नहीं भेज सकते, बिहेवियर थेरेपी के लिए भेज नहीं सकते, ओटी के लिए नहीं भेज सकते, तो हमें भी कुछ लर्न करना है ना। और फिर एवोल्यूशन ऑफ द इफेक्टिवनेस, जो अगर हम कुछ चेंज ला रहे हैं, अगर हम जो है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास नहीं भेज पा रहे हैं, और अगर हम जो है पीडियाटिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि 5 डेज का असेसमेंट,
उसके बाद भी कितना आप उससे मुतमईन होते हैं, और उसकी भी फीस भी अच्छी खासी होती है, कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ अपने कंट्री में रहते हुए हमें सोचना है कि हम क्या करें, है ना। तो एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन और चाइल्ड सेक्रेटरीज फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड तो है ही, लेकिन हमें खुद जो यहाँ रह रहे हैं हमें सोचना है कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट। ये हमने तकरीबन बात कर ली है कि क्या क्या है नेक्स्ट। देखिए, जो हमने बात की है वो चीजें अगर परसिस्टेंट होंगी ना, तो फिर हम उसको जो है वाकई मेंटल डिसऑर्डर जो है वो लेबल करेंगे ना। तो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एंजाइटी है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स, और एंजाइटी में फियर्स और वरीज हैं, फिर रातों को नींद नहीं आ रही है बैठे में, स्क्रीन एडिक्स हैं, ड्रग एडिक्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये तो बहुत खा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं खा रहे, क्योंकि बास को बिल्कुल स्मार्ट होने के इतना ज्यादा शौक है कि उन्हें हर चीज ही अपने लिए छोड़ी हुई है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम टीन एजर्स में तो बहुत ही आते हैं ना। नेक्स्ट, फिर साइन सिम्टम्स हम देखते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं, कि सेंस ऑफ नॉट फीलिंग वेल, फिर हेडेक, जिसको हम जो है वो एक्सप्लेन ना कर सके, है ना। क्योंकि ये नहीं कि जो हम आपको साइन सिम्टम बता रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए हेडेक तो बच्चा खुद ही बताएगा, हेडेक हम देख नहीं सकते, है ना, है ना। तो हम उसके देखेंगे कि हेडेक की क्या क्या जो है रीजंस हैं, हम उसके हिसाब से टेस्ट करवाएंगे ना। फिर अचानक अगर सडन एंगर, उसको गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हैं, उसकी नींद नहीं आ रही है, उसकी जो है भूख बिल्कुल उड़ गई है, या ओवर ईटिंग है, ओबेसिटी है, ऐसे भी बहुत बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हालांकि पहले हम समझते थे कि पाकिस्तान में ओबेसिटी इतनी नहीं है, हमको वहां जो है अमेरिका में और वहां कनाडा में तो बहुत नजर आती थी, लेकिन अब यहाँ भी बहुत नजर आती है ना। फिर ये कि बालों का गिरना, फिर फटीक, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हमको फिजिकल एक्सक्लूजन तो करना ही है। इसीलिए मैं इस चीज पे अभी, मेरे पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल में मेरी वर्कशॉप थी, जिसमें तकरीबन 50 डॉक्टर्स थे और 20 जो है पैरामेडिक्स थे, और काफी बड़ी वर्कशॉप थी। तो अच्छा, उसमें भी हमने यही बात बताई कि ऑटिज्म इज बाय एक्सक्लूजन। जब तक आपने एक्सक्लूड नहीं किया है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को, हॉर्मोन्स को, एंडोक्राइन्स को, है ना, जब तक आप लेबल करें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, और वो भी इतने ज्यादा हैं कि उस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, और जरा से भी अगर बिहेवियर के प्रॉब्लम में फौरन वो ऑटिज्म की तरफ सोचने लगते हैं, तो वो हमें नहीं करना है ना। तो हमें जब तक वो पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं पता होंगे, तो हम कैसे सोचेंगे। हम कहते हैं ना कि सस्पिशन ऑफ द डायग्नोसिस इज द मेन थिंग, यानी अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, चाहे जितना बड़ा बच्चा है या बिल्कुल छोटा बच्चा है 6 मंथ पे, बल्कि इवन जो है 1 मंथ पे, है ना, हमने अगर थायराइड की स्क्रीनिंग नहीं की है, तो हमको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए ना। नेक्स्ट, एक्चुअली आपने ये वाली जो बात की है ना एक्सक्लूजन की, दैट इज सो अमेजिंग डॉक्टर अजरा, बिकॉज ये एक एक्चुअली वो चीज़ है जो कि यहाँ बड़े ममालिक में डॉक्टर्स नहीं करते। दे जस्ट लुक एट द क्लिनिकल साइंस एंड दैट्स इट, यू गेट अ डायग्नोसिस। वो एक्सक्लूजन से नहीं चलते, तो इट्स इट्स हाँ, वेरी ये बिल्कुल इम्प्रेसिव। भी सही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक हमारे कैलिफोर्निया में है, और लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू कैलिफोर्निया, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उनको किसी ने ऑटिज्म का कहा था, और फिर मैंने उसकी अपनी तौर पर, हालांकि मैं उस तरह से, क्योंकि वो हमारे कुछ जानने वालों में से थी, तो उसको जब पता चला कि मैं ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं, तो वैसे ही जैसे कि उसने जब दावत की थी, तो वो ऐसे डिस्कस करने लगी, और उसमें मैंने इतने पॉइंट्स बता दिया, और फिर उसने उसको जो है ना उस पर वो इंसिस्ट किया उसने अपनी पीडियाट्रिशियन से कि नहीं, ये टेस्ट तो कराना ही है। और फिर हमने उसका जो है, जो हम इसके लिए करते हैं सीलिएक डिजीज, जो ग्लूटेन का जो प्रॉब्लम होता है, तो उसने वो करवाया और वो पॉजिटिव आया। फिर मैंने उसको कहा कि स्टिल यू कैन नॉट लेबल इट एज अ सीलिएक डिजीज, यू हैव टू गो थ्रू द जेजुअल बायोप्सी, और जेजुअल बायोप्सी पे भी उसका जो है ना प्रूफ हो गया। हालांकि वहां के पीडियाट्रिशियन ने बिल्कुल उनके, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करवाया था, आई डोंट नो। मैं, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करती, हर एक अपना जहन होता है, अपने उससे सोचता है इट्स ना। वेरी मेन स्ट्रीम तो ओवर हाँ, हियर, और आपकी जो बिल्कुल अंदाज है वो प्रोग्रेसिव है, व्हिच इज व्हाट वी नीड एज अ नेशन, डेफिनेटली। बिल्कुल है। तो और उसमें जाहिर है कि देखिए वहां फिर अपॉइंटमेंट भी इतने दिन बाद मिलते हैं, बहुत सारी चीजों में आपको इतना वेट कर करके कितने महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं। पाकिस्तान की हो सकता है बहुत सारी बुराइयां हो, लेकिन यहाँ पे कम से कम हम अपनी मर्जी का डॉक्टर चूज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी के टेस्ट करा लेते हैं ना। तो इसमें फिर कुछ और साइंस भी जैसे हैं कि नॉट एबल टू टेक डिसीजन, फिर स्ट्रेंज थिंग्स होती हैं, जैसे कि कुछ
अजीब जी सुनने को उनको लग रहा है कि कुछ उनकी ईयर में कुछ वॉइसेस आ रही है, जिसको हॉलुसिनेशन टाइप की चीजें भी होती है ना, वो विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है, फिर ये कि बहुत अपने को वीक फील करना, हालांकि कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन इतना लेथार्जिक यहाँ पड़े वहां पड़े, बार बार बेचारे सोए जाएं, जैसे कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। कि अगर पहले तो जिन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, हम देखते थे वो बच्चे शौक से करते थे, शौक से स्कूल जाते, अचानक से उनको कोई फियर हो गया, तो वो फिर फाइंड आउट करना कि क्या रीजन है। खासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत से स्कूल और बल्कि मदरसे, मैं कहूंगी कि जहाँ पे बीटिंग भी होती है, और क्योंकि हमने चाइल्ड एब्यूज और निगलेक्ट पे बहुत अरसे तक आई वॉज द फोकल पर्सन इन द कदर हॉस्पिटल, तो मदरसे के लोगों से भी हम कनेक्टेड थे, और वो बाज हमको अंदर भी नहीं आने देते, हमसे बात करने तो बहुत दूर की बात है ना, तो वो सारी चीजें फिर हम जहन में रखते हैं ना। नेक्स्ट, ये बस मैं जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ। तो ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, देखिए जब हमारा हाल होता है तो बच्चों का भी इसी तरह से होता है ना, कि यूं दिल चाहता है ना कि बस अब छोड़ दें हमको, बस है ना, लीव मी अलोन। और कितने हमारे दिमाग में चीजें कितनी चल रही होती हैं, जैसे अभी सनोवर ने भी कहा ना कि सुबह उठो तो पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में होता है, कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो उसमें जो है कोई ना कोई अपने लिए एक्टिविटी ऐसी जरूर रखनी चाहिए कि मेंटली रिलैक्स होना है, क्योंकि चाहे आपका प्रेयर हो या कोई और चीज, कि आप उसमें फुल अपने आप को रिलैक्स फील करें। क्योंकि मैंने जो है अभी पिछले दिनों योगा ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है कि वैसे तो शायद मैं एक्सरसाइज ना करती, लेकिन अब क्योंकि सर पे एक है ना कि मैं इतना पे कर रही हूँ, तो वो 1 घंटा तो मुझे गुजारना ही है ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है मैं समझती हूँ, क्योंकि वो अपने लिए हमने लाजिम कर लिया है ना। नेक्स्ट, अब ये देखिए ट्रेजिक रियलिटीज क्या है मेंटल इलनेस की, कि हमारी सोसाइटी जो है वो क्या, यानी कि कोई भी जरा सा भी अगर हम समझते हैं कि मेंटली इल है, तो पाकिस्तान में तो या तो उसको फकीर बना देंगे या वली बना देंगे, तो ये कि उसे दुआएं मंगवाना शुरू कर देंगे या उसको बिल्कुल ही रोड पे बिठा देंगे, तो ये इस तरह की चीजें, फिर ये कि जिन भूत आते हैं या नजर लग गई है, तो ये चीजें हम देखें भले ही, इन चीजें जाहिर है कि ये है मौजूद, लेकिन हर एक को उसी में फिट ना करें, है ना। तो डिस्क्रिमिनेटेड लोग फील करते हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं, फिर उनको सामने नहीं लाते, शुक्र है काफी चेंज आ गया है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को सामने लाते हैं और लोगों से मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं, वरना जो है काफी अरसे तक यही सिस्टम रहा है, और अभी भी जो है देखें, अगर मुझे जो है कोई फिजिकल इलनेस होगी तो हम बहुत ही शौक से जाते हैं कि हम डॉक्टर से डिस्कस कर लें, लेकिन अगर जो है मुझे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मतलब वाकई आप लोग अपने दिल पे हाथ रखे बताएं मुझे कि क्या वाकई आप इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा फॉर्म क्या है कि पता नहीं क्या इनके साथ क्या हो गया, क्यों ये डिप्रेशन में है, क्या इनके फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, तो हम किसी से बार बार डिस्कस भी नहीं करते, तो वेंट आउट करना बहुत जरूरी होता है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो हम जो है हमारे अंदर की जो है वो डिप्रेशन या एग्जाइटी निकलेगी भी नहीं, है ना, तो ये पूरे सिनेरियो हमको चेंज करना है ना। नेक्स्ट, और इसी बात के ऊपर अभी राबिया भी बात करके गई हैं कि बी ओपन, दूसरों को, दूसरों के साथ बी ओपन, दूसरों को भी बताएं आप कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब आप अपने अंदर से चीजें एक्सप्रेस करने लगते हैं बाहर, तो वो एक्चुअली स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्टिविटी है। मैं अगर आपसे डॉक्टर अजरा अपने दिल की बात करूंगी, तो मैं हल्की हो जाऊंगी, मेरा आपसे रिलेशनशिप गहरा हो जाएगा। वी नीड दैट एज ह्यूमन बींग्स, वो हमारी मेंटल बिल्कुल। हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो ना एग्जाम्पल हम इस तरह से देते हैं, जब हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होता है स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस को हम इस तरह से लेते हैं, जैसे फर्ज करें कि जैसे आपके पास जो है कोई 1 किलो का कोई चीज है, और आपने थोड़ी देर के लिए पकड़ी उसको, हाँ, तो थोड़ी देर के बाद कोई आपसे कहे कि इसको लेके खड़े रहना है आपको, तो आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, फिर आपका दिल चाहेगा इसको मैं उठा के एक साइड पे रख दूं, तो उसको स्ट्रेस को खुदा के लिए उठा के साइड पे रख दें, क्योंकि हम अपने सर पे सवार करते हैं, तो फिर उसकी वजह से हम पर और मेंटली जो है वो अनहेल्दी हो जाते हैं। अब बैरियर्स टू मेंटल हेल्थ, हम सबको पता है कि स्टिग्मा है, और फिर ये कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए निकालने के लिए कि हम किसी से जाके डिस्कस करें हैं, फिर हमें ये अक्सर पता नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या और हम किसके पास जाएं, फिर बहुत दिनों तक जो है डिनाइल रहता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है हम सबको जो है थोड़ा सा इस पर जो है ओवरकम करना है, बीइंग मदर भी और जो भी हमारा रोल है,
चाहे हम फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे ये हम अंकल आंट जो भी हैं, क्योंकि हम सोसाइटी को, जैसे कि आपकी जो है समिट का आपने नाम रखा केयर गिवर, तो केयर ऑफ द केयर गिवर बहुत जरूरी होता है ना। और केयर गिवर, क्योंकि हम सोसाइटी को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक चिल्ड्रन केयर गिवर। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो चिल्ड्रन केयर गिवर भी है, जैसे अभी इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हैं और चिल्ड्रन केयर गिवर भी हैं, है ना। तो हमको इस चीज से को रियलाइज भी करना है और अपने लिए भी टाइम निकालना है। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो है ना, आप सोचें कि अब ये मैंने क्यों डाली, ये जो पैराडाइम शिफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें कंसल्टेंट के जो बहुत मुश्किल से जो अपॉइंटमेंट मिलते हैं, और इसी तरह थेरेपिस्ट के भी हैं, तो पैराडाइम शिफ्ट क्या है कि फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू कम्युनिटी सपोर्ट। तो कम्युनिटी सपोर्ट में हमारी जो है वो काउंसलिंग, अवेयरनेस, एम्पावरमेंट, लाइफ स्किल्स सीखनी है, जैसे जो अब हम कर रहे हैं इस वक्त, है कि इतनी आसानी से आपको इतनी सारी बातें जो है हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी स्पीकर्स आएंगे, सर नौशाद भी और ये लोग सब, डॉक्टर नादिया, यानी कि ये लोग जो है बहुत ही कम वक्त में बहुत सारी चीजें जो उनकी कहते हैं ना जिंदगी का निचोड़ है वो आपके सामने रखेंगे ना। जबकि आपके लिए जो है कितना मुश्किल होगा कि किसी कंसल्टेंट से टाइम लेके क्या कोई इतना हाफ एन आवर या 45 मिनट्स देना। हालांकि मैं तो देती हूँ, जब मैं असेसमेंट करती हूँ तो मैं एक 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 पेशेंट को बहुत टाइम देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जितना बड़ा बच्चा होता है उतना ज्यादा ज़्यादा लंबी हिस्ट्री हो जाती है उसकी, है ना। तो हमें जो है ये पैराडाइम शिफ्ट जरूर करना है, और हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, चाहे ऑटिज्म के हों या दूसरे जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हों, से किस तरह से हम वो हेल्थ वर्कर तैयार करें जो हमारी हेल्प करें और हम दूसरों की हेल्प करें ना। नेक्स्ट। तो इसी पे हम कहते हैं ना कि कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सारी चीजें हमने बताई उन सब की एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन कहलाती है ना। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ये सारी हेल्थ एजुकेशन है। नेक्स्ट। और इस्लाम में भी देखें हेल्थ को जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत दी गई, हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम जो है फॉरगिवनेस के बाद जो है हम हेल्थ मांगे। जब सुबह आप लोग उठें तो ये जरूर दुआ मांगा करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मगफिरत व सेहत, यानी मगफिरत और सेहत दोनों साथ साथ रखा है, क्योंकि देखिए सेहत अच्छी नहीं होती ना तो फिर हम कुछ भी करने के काबिल नहीं होते ना, इसलिए मैंने स्पिरिचुअल बार बार ऐड करती हूँ। नेक्स्ट। अब मजीद ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बैक टू स्कूल स्ट्रेस होता है, कल्चरल शॉक होता है, इमिग्रेंट्स में पीयर प्रेशर होता है, ड्रग एडिक्शन है, इन्फेंट टॉडलर्स की मेंटल हेल्थ अलग है, फिर एएसडी है, फिर एडीडी है, एडीएचडी है। नेक्स्ट। ये तो सिर्फ अभी मैं सिर्फ नाम ही बता सकती हूँ। अब इसको जैसे इस स्लाइड को देखें तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, मेंटल हेल्थ बायो साइको सोशल। अब बायो में जो जेनेटिक्स आती है, फिर बायोकेमिकल, है ना। बतूल आपको बहुत अच्छा जो है वो बताती रहती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ आप कौन सी सप्लीमेंट ऐड करें। और हम लोग भी बींग पीडियाट्रिशियन बहुत सारे टेस्ट भी करवाते हैं, और वो भी ज़रा हम कोशिश करते हैं। और बाद वो लोग जाहिर है कि जैसे कि अभी वो कह रही थी सनोबर के, लोग इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करते हैं, मैं हमेशा उनको प्लान लिख के देती हूँ। मैं कहती हूँ वन बाय वन, पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे ना। फिर जेनेटिकली कुछ चीज़, जैसे शिजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया जो है वो भी जेनेटिकली होता है। फिर ऑटिज्म में भी कुछ परसेंटेज जो है वो होती है, इससे भी लोग बहुत डरे होते हैं। फिर जब हम साइको सोचते हैं तो थिंकिंग बिहेवियर मूड, यानी कि हम सोच कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं और अमल कैसे कर रहे हैं। और एटीट्यूड कहते हैं लाइफ इज ओनली 10%, ओनली 90% इज योर एटीट्यूड, है ना। बाज लोग उसी छोटी सी चीज़ को इतना मसला बना लेते हैं, और बाज इतने आराम से मतलब उसको टैकल कर लेते हैं ना। फिर ये सोशल में सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट। वही तो हम लोग राबिया के साथ बात कर रहे थे अबाउट कंडीशनिंग, कि या तो हम हम जो है बहुत छोटी से छोटी चीज को भी बहुत बड़ा लेके जा सकते हैं, चॉइस है ना, कंडीशनिंग है। और या तो हम बहुत बड़ी जो चीज है उसको भी हंस के सह सकते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ आवर कोर बिलीफ है। तो आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही एनलाइटनिंग रही है, एंड यू आर रेजिंग रियली गुड पॉइंट्स हियर, प्लीज कंटिन्यू। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट सा, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है हमारे पास, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ डिस्ट्रेस इन चिल्ड्रन। ये वैसे तो डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट्स तेजी से बताती हूँ ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
अच्छा, इसमें क्योंकि जब चिल्ड्रन की बात करते हैं तो जब तक बच्चा के 18 ईयर्स नहीं हो जाता वो सारे चाइल्ड है ना, बिल्कुल तो उस तरह से हम उसको जो है ना थोड़ा सा आपको डिवाइड करके बताते हैं ना, उसको कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए 0 to 3 ईयर्स क्लिंगिंग टू देयर केयर गिवर्स, ज्यादा जो है वो छोटा बच्चा होगा ज्यादा माँ से लिपटेगा और ज्यादा रोएगा ना, ज्यादा क्राई करेगा। और ये हम समझते हैं कि जो 0 to 3 ईयर्स लोग कहेंगे कि भाई 1 मंथ के बच्चे को क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, भाई हो सकता है उसकी मदर कैसी है, उसका फादर कैसा है, और जब वो वॉम में था तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, है ना। तो ये हमें शुरू से ही जहन में जरूर रखना है, ये नहीं कि हम हर चीज को मेंटल हेल्थ पे ही ले जाएं, लेकिन ये चीजें हमें सोचनी है। फिर क्या है कि रिग्रेशन टू फॉर्मर बिहेवियर, यानी कि अच्छा खासा सब कुछ सीख गया था फिर जो और बच्चे बन गए, यानी कि जैसे सीखा ही नहीं था, है ना। फिर बहुत ज्यादा इरिटेबल होना, फिर हाइपर एक्टिव होना, फिर चीजों से डरना, है ना, ये सारी चीजें। फिर मोर डिमांडिंग, जैसे कि कोई नया बच्चा आता है तो जो पहले के बच्चे होते हैं वो और डिमांडिंग हो जाते हैं कि उनको क्यों नहीं तवज्जो मिल रही, क्योंकि हर शख्स जो है अटेंशन चाहिए होता है ना। फिर बहुत ज्यादा वो क्राई बहुत करते हैं, टेंट्रम्स होते हैं, तो ये चीजें हमको जो है ठीक है उनकी फिजिकल चीजें तो हम देखें, लेकिन हमको और चीजें भी देखनी ही चाहिए कि हम उनको टाइम कितना दे रहे हैं, है ना। क्योंकि वर्किंग वेमेन जो है खुद भाग रही है, बच्चों को भी भाग के यहाँ छोड़ा, फिर खुद जो वापसी में लेती हुई आई, फिर कितना टाइम दिया, है ना। तो ये सारी चीजें हम सबको जहन में रखनी है क्योंकि हमारी भी लाइफ इसी तरह से गुजरी है। नेक्स्ट, बिल्कुल 4 to 6 ईयर्स में देखिए फिर वही है कि क्लिंगिंग टू एडल्ट है, फिर रिग्रेसिंग टू फॉर्मर है, चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न है, हायर इरिटेबिलिटी है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन है ना। फिर बिकमिंग मोर इनएक्टिव और मोर हाइपर एक्टिव, या तो लेजी हो जाएंगे या ज्यादा ही जो है लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है, ज्यादा एनर्जी आ गई है, स्टॉप प्लेइंग, है ना। या फिर वो आजकल तो स्क्रीन एडिक्शन असल में लोग बहुत हैं ना, और 4 to 6 ईयर्स के भी इतने ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं जो कहती हैं कि मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि कितने आवर्स सारे दिन वो लगे रहते हैं, क्योंकि माओं का अपने काम करने और बच्चों को उसमें लगा के और भूल जाती हैं ना। फिर ये स्टॉप टॉकिंग, यानी कि पहले तो अच्छा खासा बोल रहे थे, वो रिग्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, फिर यानी कि वो इतने परेशान हो जाते हैं बच्चे कि किस तरह से माँ बाप से मिले और बातचीत करो, किसके सामने हम कुछ बोले। नेक्स्ट, और ASD के बच्चों में तो ये भी है कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो आपको वो इरिटेबिलिटी या लॉस ऑफ स्किल्स या डिटैचमेंट ज्यादा नजर आएगी उन हमारे बच्चों में, क्योंकि they really struggle to express themselves. बिल्कुल, क्योंकि नॉन वर्बल होते हैं तो वो उस तरह से जाहिर है कि बता भी नहीं सकते, वरना तो जो बोल रहे हैं वो तो फिर भी कुछ ना कुछ टेंट्रम दिखाएंगे, कुछ चीखेंगे, तो फिर भी हमें पता चल जाएगा ना। इसी तरह 7 to 12 ईयर्स में क्या होता है कि वो फिर आइसोलेटेड, उनकी के लोगों से मिलना जुलना छोड़ देना, ये स्कूल जाना नहीं है मुझे, यानी अक्सर ये होता है कि नहीं अब मुझे स्कूल तो जाना ही नहीं, क्या बात है ना। फिर वो चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न है, ये तकरीबन सारे ग्रुप्स में ही है, लेकिन इस ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है मैंने देखा ना। फिर उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन जो है वो इतनी नहीं रहती, पहले तो ठीक था अब नहीं है। फिर फिजिकल सिम्टम्स, है ना, पेट में दर्द, फालतू का पेट में दर्द, तो उसको भी हम कहते हैं कि इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर बच्चा सोते से उठ जाए पेट के दर्द की वजह से, दैट मीन्स कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, वरना तो ये कि वो सिर्फ कहने को कहता है कि मेरे पेट में दर्द है ताकि उसको वो काम ना करना पड़े, है ना। तो हमें उससे ये नहीं कहना है, लेकिन हमें बहरहाल ये सोचना है कि हम इसको किस तरीके से दूर करें ना। फिर कोई भी चीज का ना फीलिंग गिल्टी, है ना, ये अपने को ब्लेम करना कि मुझसे ये हो गया वो हो गया, तो ये भी चीजें, क्योंकि बाज़ दफा खास तौर पर जो है जैसे मैं कैनेडा की बात करूँ कि घर में बच्चे कुछ और होते हैं बाहर कुछ और होते हैं, कि घर में अगर कुछ और टीचिंग है लेकिन वो अंदर तक नहीं उतरी है और उनको वो तो जो करना पड़ रहा है ना, वो घर में कुछ और होते हैं बाहर निकलते तो कुछ और होते हैं, तो वो कुछ डबल पर्सनालिटी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं ना, क्योंकि वहां भी हमने काफी अरसा गुजारा है और वहां भी इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आते थे ना, क्योंकि लोग समझते थे कि शायद मैं साइकेट्रिस्ट हूँ या साइकोलॉजिस्ट हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर के तौर पर काम किया था। नेक्स्ट, फिर वही टीनेजर्स के तो प्रॉब्लम हम सबको पता है ना, इंटेंस ग्रीफ शोज एक्सेसिव कंसर्न फॉर अदर्स, है ना। फिर फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम, इंक्रीजिंग डिफेंडर्स ऑफ अथॉरिटी, इंक्रीज रिस्क टेकिंग, फिर बहुत एग्रेसिव होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बस चीजें उठा के इधर से उधर फेंकना, या कुछ होप बिल्कुल होपलेस बातें करना कि नहीं मैं तो
क्योंकि वो कंपटीशन के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, खासकर शुक्र है कि कैनेडा में ये चीजें नहीं है, वहां तो गैप भी दे देते हैं, बाद में फिर दोबारा से जो है वो स्टडीज उनकी स्टार्ट हो जाती हैं, या तो फॉरन कंपैरिजन हो जाता है, उनका बच्चा तो ये कर रहा है तो हमारा बच्चा ये कर, वो तो फर्स्ट आता है, तुम तो फर्स्ट नहीं आते, तो फर्स्ट आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। मेन तो हमें उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो रोल अदा करना है कि उसको हम किस तरह से टैकल करें चीजों को। नेक्स्ट, फिर ऑल एज ग्रुप में यही सारी चीजें तकरीबन जो है कि थकन होना या शॉर्टनेस, से बाद दफा एस्थमा, मेरे पास एक एस्थमा का बच्चा आता था जिसको जो है सारी चीजें मैंने देख ली थी लेकिन फिर भी उसका ठीक नहीं हो रहा था, तो पता चला कि उसको जो है वो मदरसे में मारा जाता था इसलिए उसका एस्थमा ठीक नहीं हो रहा था, इमोशनल इमोशनल एस्थमा ना। तो ये सारी चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए कि पहले फिजिकल चीजें हमें जो है रूल आउट करनी है। चाइल्ड अब्यूज एंड निगलेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं ये समझती थी कि वहां पे जो है कनाडा या अमेरिका में नहीं होता है। अभी पिछले दिनों में बात कर रही थी तो किसी ने कहा कि नहीं ये तो सिर्फ पाकिस्तान में होता है। देखिए वहां भी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप लोग कभी इस पे टॉपिक रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी, और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मेहनाज हैं जो कि चिल्ड्रन राइट्स पे बात करती हैं, तो हम उनसे भी करवाएंगे ना कि कितना ज्यादा। और देखिए जो फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज तो फिर भी आपको नजर आता है, इमोशनल एब्यूज तो प्रूफ करना इतना मुश्किल होता है कि पिछले दिनों मेरे पास एक फादर इतने परेशान आए थे जिनकी बच्ची को जो है इमोशनली अब्यूज किया जा रहा था, और उन्होंने देखा था, लेकिन जाहिर है कि वो किस तरह से प्रूफ उसको कैसे करते, क्योंकि वो साफ सुथरी अच्छी बच्ची सब खा पी रही थी और जाहिर है कि मतलब उसका वेट भी सही था, तो किस तरह से आप प्रूफ करेंगे ना। नेक्स्ट, इमोशनल अब्यूज अगेन, इफ टू लिंक इट बैक टू ऑटिज्म, हमारे बच्चों में क्योंकि डिफरेंशिएटिंग ज्यादा होती है, हम एज पेरेंट्स कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों के साथ, स्कूल में उनके साथ टीचर्स कर रही होती हैं, थेरेपिस्ट थेरेपी सेंटर के अंदर थेरेपिस्ट कर रहे होते हैं, एंड दे स्टार्ट टू फील लाइक कि वो खुद एक डिफरेंट है, उनके अंदर बिल्कुल। कुछ मिसिंग है, एंड दैट इज अच्छा, टेरेबल। उनके अपने भी जो है ना, जो दूसरे सिब्लिंग्स होते हैं ना, वो भी जेलस हो जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि कहते हैं कि मतलब पेरेंट्स उसको तो इतना टाइम दे रहे, मुझे नहीं दे रहे, तो उसको क्योंकि जरूरत उनको ज्यादा खुद होती है फिर मेंटल हेल्थ ना, इश्यूज तो डेवलप होने लगते हैं ये फिर। सब चीजें होती है ना, तो फिर ये सारी चीजें जो है ये किसी भी एज में अगर ये चीजें हैं तो हमें बहरहाल जहन रखना है ना। बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, आई थिंक मैंने बहुत जल्दी जल्दी तो किया है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड है। और जो कोई भी क्वेश्चंस आएंगे वो कमेंट्स में आएंगे, एंड यू विल बी एबल टू आंसर देम एज वेल डॉक्टर अजरा। तो आई थिंक दैट अच्छा हमारा आज का सेशन गया, क्योंकि ये जो हमने जिन चीजों पे आज बात की है वो एक ऐसा टॉपिक था जो कि हम यूजुअली एड्रेस नहीं करते, कि बच्चों में क्या सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं। आपने एज बाय एज कैटेगरी जैसे एक्सप्लेन की है, आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर फॉर अस इवन एज पेरेंट्स जिनके न्यूरोटिपिकल बच्चे भी हों, क्योंकि सिबलिंग्स होते हैं और यू नो फ्यूचर में बच्चे होते हैं, फिर आपकी खुद के ऑटिस्टिक बच्चे हैं या न्यूरोडाइवर्स में, तो इतने सारे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस क्या हो सकते हैं, एंड टू मैनेज देम यू नो अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अपने बच्चों के केयर गिवर्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर अजरा, आपने इतना टाइम दिया, आपने इतने बिजी यू वेलकम, आपने इतनी बड़ी टीम बनाई है और इतने लोगों को बुलाया है, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो लोग हमसे सीखें और हम भी सीखेंगे लोगों से, क्योंकि बिल्कुल यू मैंने जो फर्स्ट स्पीकर के सुन पाई, और आई डिडंट नो कि मुझे फेसबुक पे रहना था क्या, तो मैं फेसबुक मैंने ऑन ही रखा हुआ था, तो मैं समझी इट विल कंटिन्यू, तो जी बिल्कुल। दैट आई मिस्ड सेकंड। हम सारी की सारी लाइव्स जो हैं वो पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो एवरीवन कैन कम एंड स्क्रॉल अप एंड डाउन, और जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट कर रहा है आप उसको वॉच करें। थैंक यू डॉक्टर अजरा, हमारा एक सेशन और बाकी है, तो आई बेटर हेड इन देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग एवरीथिंग विद अस टुडे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।